नवरात्र के अवसर पर हम विभिन्न स्वरूपों का पूजा अर्चना करते हैं। जो शाक्ताभिषिक्त साधक हैं वो अपनी कुल परंपरा के अनुरूप भगवती के स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं और साधारण भक्त जो हैं नव दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं। वैसे मूल रूप में भगवती दुर्गा के ही स्वरूप हैं। कोई एक एक शक्ति परमेश्वर से भिन्ना चतुर्था व्यवहार काली पुरुषेश विष्णु भोगे भवानी समृत दुर्गा प्रलोच काली। लेकिन वो उसके साथ विद्युद्याम संप्रभा अमृतपति स्कंद श्याम भीष्णाम कन्या भी करवाल केट विशलस्था विरा सेवताम हस्ते चक्र गदाश केट विशिकाम चापम चुणंत अग्निम विभ्राणाम अनात्मिकाम शिवराम दुर्गाम त्रिनताम भजे आगच्छ वरदे देवी दैत्य दर्प निखोनी पूजा ग्रहण सुमुखी नमस्ते शंकर पे से भगवती दुर्गा का आवाहन करते हैं और उनका पंचोपचार से धूप दीप गंग नैवेद्य आदि अर्पित करके भगवती का पंचोपचार से अथवा जो विशेष पूजा अर्चना करते हैं षोडशोपचार से भगवती का पूजन अर्चन करते हैं और उसके बाद भगवती के दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। उनमें जो स्तुति है उनका पाठ करते हैं और उसके बाद जो है अपने भगवती को भोग आदि अर्पित करके अपने जो है पूजा को संपूर्ण करते हैं। प्रथम दिन विशेष रूप से भगवती शैलपुत्री की आराधना की जाती है। भगवती शैलपुत्री का ध्यान करते हुए वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्क शेखराम वृषाजरूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनी ओम ह्रीम श्रीम प्रेम शैलपुत्रे नमः। इससे उनको जो है धूप दीप गंध नैवेद्य आदि अर्पित करें। विशेष रूप से सुगंधित पुष्प जो है भगवती को अर्पित किए जाते हैं और सफ़ेद रंग के पुष्प अगर सुगंधित पुष्प हों तो वो विशेष रूप से भगवती के अर्पण करने से भगवती प्रसन्न होकर साधक की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं और जीवन में जड़ता का नाश करके ज्ञान का आलोक उनके जीवन में फैलता है।